गई, लेकिन केमिकल से होने वाले रिएक्शन अभी तक बंद नहीं हुए। गए 28 साल से भोपाल के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब ये गैस निकली थी, जब मैं करीबन 15 साल की थी, तो मेरे गैस के कारण से पेट में पथरी बन गई थी, इतने बड़े गोला बन गया था गैस का। तो फिर ऑपरेशन करवाया, 2-3 साल परेशान रहे, फिर जाके ठीक हुए। अभी तबीयत ठीक नहीं रहती अभी भी। चले नहीं, ए, बहुत दिखा नहीं, जब से हम परेशान हो रहे हैं, कैसे करें हम, कैसे खाओ हम, मेहनत बने बने नहीं। आप भी काम करते थे कंपनी में? पहले करते थे, पहले करते थे, अब कैसे लगो जब से बने नहीं। केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपना हक मांगने के लिए भोपाल से मुंबई ये लोग आए हैं, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास में है। 28 साल बहुत हो गए, 28 साल बहुत हो गए। आप बम्बई में आए भोपाल से? क्यों आए? ये यू अपने दाऊद केटिकल के खिलाफ आए। तो यहाँ से कितने लोग आए हैं? यहाँ से आए करीबन कम से कम 350-400 लोग। तो क्या चाहते हो आप? उन्होंने आज तक क्या कहते हैं, 28 साल हो गए, मुआवजा नहीं दिया। तो आप लोग क्या चाहते हो? मुआवजा चाहिए हमको। तो जब वो नहीं देंगे तो? तो वो तो लड़ते ही रहेंगे हम, जितने दिन तक जिएंगे उतने दिन तक लड़ेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से भोपाल के सीएम से ये कहना चाहूँगी कि भोपाल के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर 25 टन से ज़्यादा केमिकल है, उस केमिकल को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पे विस्थापित किया जाए और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको उनका मुआवजा दिया जाए। मैं मुंबई से जुलेखा सैयद, इंडिया अनहट के लिए।